बात करनी है, सेवन चक्रास के ऊपर बात करनी है, मेडिटेशन के ऊपर बात करनी है, और ये बात करनी है कि मेडिटेशन हमारे लिए क्यों जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग मेडिटेशन में, तो मेरे को लगता है बहुत गिने चुने लोग आते हैं, बस 4, 3, 4, 5, शुरू शुरू में तो 6-7 आए, उसके बाद बस 3 या 4, मतलब ऐसे ही होते हैं। तो मेडिटेशन तो इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, तो इसको हमें जरूर करना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये चीज को नहीं करेंगे तो आप अपनी लाइफ को इम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगे, और जब आप लाइफ में इम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगे तो कोई भी मोडालिटी को, हीलिंग मोडालिटीज को सीखने का कोई भी फायदा नहीं है, या ऑकल्ट साइंस के अंदर आप जो भी मोडालिटी सीख रहे हैं उसका कोई मतलब ही नहीं है अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हैं। अगर आपसे मॉर्निंग में नहीं उठा जाता, देखो सबसे अच्छा टाइम तो ब्रह्म मुहूर्त का ही होता है, बट इनकेस हम किसी वजह से नहीं उठ पाते हैं, रात को लेट सोते हैं, सबका अपना अपना एक लाइफ स्टाइल होता है, काम भी करना जरूरी होता है, तो आप दिन में किसी भी टाइम मेडिटेशन कर सकते हैं। जब हम बिगनर्स होते हैं ना, तो जब हम बिगनर्स होते हैं तो आप किसी भी टाइम पे मेडिटेशन कर सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं होता। लेकिन जब हम एक लेवल पे आ जाते हैं तो यही सजेशन दिया जाता है, और जब आप लोग भी उस लेवल पे आ जाते हैं तो आपको भी अंदर से वो एक आवाज आनी शुरू हो जाती है कि आपको भी ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और अपने मेडिटेशन करना है। अगर आज आप लोग यहाँ पे बैठे हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके पूर्व जन्म के संस्कार हैं जो आपको यहाँ पर लेकर आए, ठीक है ना? तो इसलिए आपको उस चीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसको थैंक यू बोलना चाहिए गॉड को कि आपने कोई अच्छे कर्म करे हैं जो आप स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़े हैं। इस कहते हैं ना, कलयुग के अंदर आप अगर थोड़ी सी भी भक्ति करते हैं तो आपको भगवान प्राप्त हो जाते हैं। तो इस भक्ति के अंदर आप आए हैं तो ये आपके कोई अच्छे कर्माज हैं जो आप अकॉर्डिंग साइंस से जुड़े हैं, स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़े हैं, तो उसके लिए भगवान को थैंक यू बोले और उसकी वैल्यू करें। और जब तक आप मेडिटेशन नहीं करेंगे, जब तक आप हीलिंग नहीं करेंगे, तब तक आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। वो फिर आपके लिए सिर्फ एक मैंने बोला और आपने सुना, ठीक है ना? यस मैम। तो इसलिए मेडिटेशन करना बहुत 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 जरूरी है। और बेसिकली मेडिटेशन होता क्या है? मेडिटेशन क्या होता है, कोई बता सकता है? मैम कंसंट्रेशन। हाँ, कंसंट्रेशन तो होता ही है, उसके अलावा ब्रीदिंग एंड ब्रीद आउट होता है, उस पे ध्यान होना, ध्यान देना, मींस बी कॉन्शियस ऑन ब्रीदिंग एंड ब्रीद आउट। गॉड के साथ जुड़ना भी होता है ना मैम? मैम इसमें बेसिकली इसमें हम शून्यता को ग्रहण करते हैं और माइंड टू नो माइंड जाते हैं, अपने सारे थॉट्स जो हमारे आते हैं उनमें ना घुसकर हम अपने बेसिकली ऊपर हायर सेल्फ में जाते हैं और शांत होते हैं। जो शांति मिलती है वो सबसे बड़ी चीज है, माइंड टू नो माइंड, जैसे हमारे ओशो जी ने भी कहा है। हमें क्या कहते हैं ना, मेडिटेशन करने से क्या होता है, मन को शांत, सेल्फ को जानना है, खुद को जानना है, अपने मन की, अपने अंदर की यात्रा, मन की शांति। मेडिटेशन का मतलब यही होता है ना, मन की यात्रा, अंदर की यात्रा, सॉरी, एक होती है बाहर की यात्रा, एक होती है अंदर की यात्रा। मेडिटेशन के माध्यम से हम हमारे अंदर की यात्रा को कर पाते हैं। हेलो मैम। हाँ जी। मेडिटेशन यानी कि हम आत्मा से परमात्मा, हमारे आत्मा को परमात्मा से जुड़ना होता है, यही मेडिटेशन। आत्मा को परमात्मा से जुड़ना, कंसंट्रेट करना, इनर पावर को जानना, जो भी आपने बोला है वो सब सही है। जितने भी लोगों ने जो भी बातें बोली हैं, अपने अपने हिसाब से सबकी बातें बिल्कुल, इनर सेल्फ को जानना, इनर सेल्फ, जो सेल्फ को जानना है, खुद को जानना। नॉर्मल जीवन में भी जैसे कि एक मेडिटेशन को हमने क्या नाम दिया है, मेडिटेशन को अगर हम हिंदी में बोलते हैं तो ध्यान बोलते हैं ना, कि ध्यान है। और नॉर्मल लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, हम कहीं बाहर जाते हैं, हमारे बड़े बोलते हैं ना, अच्छा बेटा जा रहे हो, ध्यान से जाना। हम हमारे बच्चों को बोलते हैं बेटे ध्यान से जाना, ध्यान से खेलना, ध्यान से पढ़ाई करना, ध्यान से खाना खाना, ध्यान से ये काम करना। हम हमेशा नॉर्मल लैंग्वेज में वो यूज करते हैं ध्यान शब्द, करते हैं ना ध्यान। लेकिन वहां पर क्या है, टेक केयर, उसका जो हमारा मतलब क्या होता है, टेक केयर। जैसे हमारे हम कोई हमारे हम कहीं जाते हैं, बोलते हैं ओके बाय, टेक केयर, है ना, अपना ध्यान रखो।
रखो, अपना ख्याल रखो। तो मेडिटेशन को हम नॉर्मल लैंग्वेज में जो हम उसको यूज करते हैं, तो हम क्या यूज करते हैं, ध्यान, टेक केयर। यहाँ पर हमारे ध्यान का क्या अर्थ है, यहाँ पर हमारे ध्यान का अर्थ है हमारे मन का ख्याल, अपने मन का ख्याल। अब क्या है ना, बहुत सारे लोग होते हैं उनके पास टाइम ही नहीं होता, उनकी लाइफ ऐसे सेटल्ड होती है, टाइम ही नहीं होता, हम अपना ध्यान नहीं कर पाते हैं। बहुत से लोग आपने सुना होगा कि वो बोलते हैं यार मरने तक की फुर्सत नहीं है, ध्यान कहाँ से करेंगे। और बहुत से लोगों को लगता है कि हमें, जैसे मैंने बोला कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि आप ब्रह्म मुहूर्त में ही करें। ध्यान का मतलब है वो निरंतर प्रक्रिया आपके जीवन में चलती रहनी चाहिए। जो हमारा एक टाइम फिक्स है कि हमें आधा घंटा करना है, हमको एक घंटा करना है, वो ध्यान क्या है, वो तो हमारी एक शुरुआत है, हमारे को अपनी दिनचर्या में उस चीज को जोड़ना है। लेकिन उसका जो अर्थ है वो ये है कि वो निरंतर हमारे जीवन में चलता है, निरंतर। अगर हमने सुबह मॉर्निंग में मेडिटेशन करा, एक घंटा मेडिटेशन करा, या आधा घंटा करा, या फिर 15 मिनट करा, लेकिन जो हमने उसमें सीखा, तो हमने उसमें क्या सीखा, मन की शांति सीखी। तो वो जो शांति है वो हमारे जीवन में चलती रहनी चाहिए निरंतर, वो प्रक्रिया निरंतर चलती रहनी चाहिए, तभी हम हमारे जीवन को बदल सकते हैं। ऐसे हम हमारे जीवन को नहीं बदल सकते कि आप अभी ध्यान कर रहे हो, उसके बाद आप गुस्सा कर रहे हो, उसके बाद आपकी लड़ाई हो गई, उसके बाद आपके मन में किसी बात को लेकर जेलस हो गई, छल कपट हो गया, नहीं। वो हमारी पर्सनैलिटी में चीजें दिखनी चाहिए, तो ध्यान का अर्थ है। जैसा मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि गुस्सा अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए, गुस्सा बाहर होना चाहिए, अंदर नहीं होना चाहिए। मतलब क्या, अगर आप गुस्सा बाहर से करोगे तो आप सोच के गुस्सा करोगे, आप सोच के गुस्सा। बहुत सी सारी चीजें ऐसी होती है जहां हमें गुस्सा करना ही पड़ता है। अगर आप किसी ऐसे काम के अंदर हो, आप एक, आपको अपने लेबर से काम कराना है, तो आपको गुस्सा दिखाना ही पड़ेगा। एज अ मदर आपको अपने बच्चों को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा कभी किसी किसी मूवमेंट पे। एज अ टीचर आपको स्टूडेंट के साथ कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा। फैमिली के अंदर भी होना पड़ता है, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जहां आपको करना पड़ता है। तो गुस्सा बाहर से होना चाहिए, अंदर से नहीं होना चाहिए। बाहर से गुस्सा होगा तो आप उसको सोच समझ के गुस्सा करोगे, आप अपने शब्दों को बना के बोलोगे कि हाँ ऐसे ये करना है, वो करना है, वो करना है। लेकिन जब हम अंदर से गुस्सा करते हैं तो हम जो मुंह में आता है बोलते हैं, तब हमारे को हमारा दिमाग कंट्रोल से बाहर हो जाता है ना। तो ध्यान का मतलब क्या है, ध्यान का मतलब यही है कि हमने एक घंटा ध्यान करा, हमने 15 मिनट ध्यान करा, आधा घंटा ध्यान करा, वो निरंतर प्रक्रिया हमारे जीवन में चलती रहनी चाहिए, तब तो हमारे को उससे फायदा है, अदरवाइज हमें उससे कोई फायदा नहीं। ठीक है ना, आजकल की जो भाग दौड़ का जीवन है, यहाँ पे लोगों के पास टाइम नहीं है। पीछे 2 साल कोविड हुआ, कोविड के अंदर बहुत लोगों ने, जब लोगों के पास समय आया तो लोगों ने इस चीज को समझा, बहुत लोग मानसिक रूप से बीमार हो गए। मानसिक रूप से बीमार क्यों हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने मन का ध्यान नहीं रखा, क्योंकि वो कभी मेडिटेशन उन्होंने नहीं करा, जो अक्षम खाना पीना, जो भी उनकी लाइफस्टाइल थी, इसीलिए तो वो मानसिक रूप से परेशान हुए। कई लोग तो ऐसे बीमारी, मतलब मानसिक रूप से ही इतने बीमार हो गए, डिप्रेशन में चले गए, प्रॉब्लम्स हो गई। किसी को कोविड, बहुत से लोगों को कोविड हुआ लेकिन वो फिर भी ठीक हो गए, मेडिटेशंस के जरिए ठीक हो गए, अपनी विल पावर से जरिए ठीक हो गए। लेकिन कुछ लोगों को जरा सा कुछ हुआ और वो चले गए दुनिया से। कुछ लोग वैसे ही बीमार हो गए, लोगों को देख देख कर, इतना हाय तो बाजू मची हुई थी, न्यूज खोल के देखो आसपास के, इतनी मतलब डिप्रेशन, टेंशन, गुस्सा, स्ट्रेस, कितने ज्यादा लड़ाई झगड़े, कितने ज्यादा डिवोर्स हुए हैं इस कोविड के टाइम पे। क्यों हुए, क्योंकि वहां पर हमने अपने मन का ख्याल नहीं रखा। हम सब काम करते हैं, जैसे कि एक होता है ना, हमारी जो आत्मा है वो क्या है, एक बीज है, बीज रूट है हमारा, जड़ जिसको हम बोलते हैं। एक पेड़ हमारा खड़ा हो गया, हमने पेड़ के हमने सब काम करे, हमने जो बच्चों से रिलेटेड काम कर रहे हैं, हम अपने फैमिली से रिलेटेड काम कर रहे हैं, हम सब चीजों से रिलेटेड काम कर रहे हैं,
लेकिन तब भी हमारा मन खुश नहीं है, हमारा मन शांत नहीं है। अपनी हर जिम्मेदारियों को हम निभा रहे हैं लेकिन तब भी हम अंदर से कहीं उदास हैं। क्यों उदास हैं? क्योंकि हम हमारी आत्मा पर काम नहीं कर रहे, क्योंकि हम हमारे मन पर अपने बीज, जो हमारा बीज है, जो हमारी जड़ है, हम उसको तो पानी दे ही नहीं रहे ना, उस पर तो हम काम ही नहीं कर रहे। हम इस भागदौड़ के जीवन में उसको हमने छोड़ दिया है साइड, तो उसके ऊपर काम करना बहुत 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 जरूरी है। आज हम यहाँ पर आपके साथ जुड़े हैं, कोई दिल्ली में रहता होगा, कोई दिल्ली के बाहर रहता होगा, लेकिन यहाँ हमारा एक कनेक्शन बना हुआ है, मन से कनेक्शन बनता है, तभी आप लोग भी क्लासेस में रेगुलर आ रहे हैं, तभी मैं भी क्लास के अंदर रेगुलर आ रही हूँ। तो ये मन का कनेक्शन होना ज्यादा जरूरी है, दिखावे का कनेक्शन, ठीक है ना? ठीक है ना? ध्यान का जो मतलब, ध्यान का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आपने सुबह उठे, ध्यान करा, अच्छी बातें सुनी और हो गया। ध्यान का मतलब आपकी सोच का ध्यान रखना, कि आपने क्या सोचना है पूरे दिन में, क्या बोलना है, आपके शब्द क्या हैं, आपके विचार क्या हैं, आपके कर्म क्या हैं, आप क्या कर्म कर रहे हो पूरा दिन, वो एक प्रक्रिया पूरे दिन आपकी चलती रहनी चाहिए, तभी आपको उसमें शांति महसूस होगी। वरना आपको, आप ध्यान भी करोगे लेकिन तब भी आप फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, इरिटेट रहोगे, अगर आप इन चीजों को अपने जीवन में नहीं लाओ। ध्यान का मतलब क्या है? अपने शब्दों पर, जो आप शब्द बोल रहे हो उसका ध्यान रखकर बोलो, शब्दों को ध्यान रख के बोलो, अपनी सोच का ध्यान करो, अपने विचारों का ध्यान करो और अपने कर्मों का ध्यान करो। इन चार चीजों पर आपको, आपने मतलब इन चारों चीजों का ध्यान करना है। तो सिर्फ एक घंटा बैठने से नहीं, ये पूरी दिन की प्रक्रिया, ये आपके जीवन में जो रेगुलर पूरी लाइफ जो चल रही है कि उसकी चलती रहेगी, तब कहीं जाकर आपके व्यवहार में वो चीजें आएंगी, और जब वो आपके व्यवहार में आएगी तो आप दूसरों को भी प्रेरित कर पाओगे। खुद तो आप प्रेरित होगे ही होगे, आपका जीवन तो अच्छा होगा ही होगा, लेकिन आप दूसरों के जीवन को भी अच्छा कर पाओगे। ध्यान कोई, ध्यान क्या चीज है? ध्यान एक जीवन को जीने की कला है। वो कोई ये नहीं है कि आप घंटों बैठ बस बैठो और आप भगवान को ध्यान लगाए और बस कर लो, नहीं। वो एक जीवन जीने की कला है, वो एक ऐसी साधना है जो हर पल हमारे साथ रहती है, ठीक है ना? आपको मेरी बात सबको समझ आ रही है ना? हाँ मैम, ओके। परिस्थितियां चाहे जीवन में कुछ भी हो, परिस्थितियां चाहे तो जीवन में कुछ भी हो, कभी कभी कुछ नेगेटिव परिस्थिति भी जीवन में आती है, कभी कुछ पॉजिटिव परिस्थिति भी हमारे जीवन में आती है, जो भी परिस्थिति हो, पर आपको निरंतर उसको डट के उस पे खड़ा होना, वो आपको केवल ध्यान से ही आएगा। अपने मन का ध्यान रखना, अपनी आत्मा का ध्यान रखना, वही आपका भाग्य बनाएगा। तो जैसा मैंने बोला कि आपको अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के लिए भी प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि आपने कोई बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, अच्छे संस्कार किए होंगे, तभी आपको ये स्पिरिचुअलिटी मिली, नहीं तो हर किसी को ये स्पिरिचुअलिटी नहीं मिलती। आप देखेंगे आपके आसपास में 100 लोगों में से कोई 2 या 4 लोग ऐसे होंगे जो इस चीज में होंगे, बाकी सबके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए जीवन कोई वो नहीं है, वो इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, वो कहते हैं छोड़ो क्या है ये सब कुछ। जब से कोविड आया है तब से लोगों में ये चीजें आई हैं, लेकिन अभी भी पहले के बनस्पत बहुत कम है। पहले तो लोगों का बिल्कुल इन चीजों पर ध्यान ही नहीं होता, अब वो धीरे धीरे इन चीजों को सोचने लग गए हैं, इन चीजों पर विचार करने लग गए। बाकी जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान बहुत सारे तरीकों का होता है, ठीक है ना? ध्यान भी बहुत सारे तरीकों से होता है। एक ध्यान ये होता है कि हम माला लेके बैठ गए हैं, माला से स्मरण कर रहे हैं, लेकिन जब हम माला से स्मरण करते हैं तो हमारा आधा जो ध्यान होता है वो हमारी माला पे रहता है। माला हमारे ध्यान को अपनी तरफ खींचती है। कई बार हम माला करते करते भूल ही जाते हैं हम कितना करा है, हमने क्या है, फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे बेटर जो ध्यान होता है वो होता है अजप्पा जाप, जो
जो हम अपने मन से करते हैं, जो हर वक्त हमारे मन में चलता है, निरंतर हमारे मन में चलता है, तो आप उसका जाप करिए, अच्छे अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, निरंतर प्रक्रिया, उस तभी आपकी वो चीजें आपकी पर्सनालिटी के अंदर, ठीक है ना। तो अब जैसे हम अजप्पा जाप करते हैं, जैसे आपने सुना है कि यूनिवर्सल जो साउंड है वो ओम है, ओम इज अ यूनिवर्सल साउंड। वैसे तो देखो हर किसी के अपने अपने जो भी आपके जाप हैं उसको आप करो, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक उसका तरीका बता रही हूँ। जैसे मैंने ओम का मैं आपको तरीका बता रही हूँ, जैसे मैं ओम बोल ओ, जैसे मैंने ओम बोला वो ऊपर जाएगा, म बोला वो नीचे आएगा, एक अजप्पा जाप। साइलेंट मोड पे आप जब भी बैठो, जैसे मैं तो अभी मुंह से बोल रही हूँ आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही, लेकिन ये आवाज आपको अपने अंदर बोलनी, अपने अंदर बोलनी, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है, हम वो नहीं कर पाते, तो आप उसको बोलो, मुंह से बोलो, आप उसका म्यूजिक लगा लो, आप कुछ भी म्यूजिक लगा के एक बार अपने मुंह से बोलिए ओम। हाँ जी, कैसे बोलना है ओम? ओ ओ ओ शब्द हमारा यहाँ आया, और जब हमने माँ बोला तो वो नीचे आया, ओ आया समझ में? तो माँ का साउंड नहीं होगा ना अपने जब साउंड, तो कोई भी नहीं, आपको साउंड तो मुंह से बोलना ही नहीं है, अंदर ही अंदर करना है। जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये धीरे धीरे आपको आ जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आया आपको समझ में सुशांत जी? आपने क्वेश्चन करा था ना? हाँ मैम। इस तरीके से आप कोई भी, अब देखो आप अगर आप अगर हम इसका चलते हैं, अगर आप मुस्लिम्स का क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं अकबर, क्या बोलते हैं वो मैम? अल्लाह अकबर। हाँ अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर द साउंड अल्लाह, ठीक है। अगर आप अपना ये हम बोलते हैं सरदारों का ओम का, ठीक है, हम अपना ओम लेते हैं ओ, सबका एक ही वो है, लेकिन सबके अपने रिलीजन्स अलग अलग हैं, लेकिन ईश्वर एक ही है, यूनिवर्स एक ही है, एनर्जी सबका एक बराबर काम करती है, ठीक है। ये तो बिल्कुल हमारी जो होती है ना बिगनिंग, जो हम जो स्टार्टिंग करते हैं, ये तब है जब हम स्टार्टिंग करते हैं। वो जब बोलना है तब थाई पे या फोरहेड पे लेकर जाना है, फिर दोबारा नीचे जाना है माँ बोलने से। हाँ, माँ जब आएगा डाउन नीचे आ जाएगा। हाँ ओके, क्या बोल रही थी मैं, क्या बोल रही थी, भूल गई। मैम हर रिलीजन में एक ही रिलीजन में एक ही चीज होती है, बाकी हम लोगों ने अलग अलग अपने उसको रिलीजन्स बना दिए हैं कि ये हिंदू है, ये है, ये है। सब यूनिवर्स, सब भगवान, सब ईश्वर, सबकी आप कोई भी ग्रंथ उठा लेंगे, सबका एक ही वो है मुक्ति माना, और वो मुक्ति सिर्फ 100 में से किसी एक को मिलती है, वो मुक्ति सिर्फ 100 में से किसी एक को मिलती है, वो मुक्ति उस इंसान को मिलती है
जिसके अपने चक्रांश पे पूरा कंट्रोल होता है, जो अपने चक्रांश को पूरा बैलेंस करके रखता है, जिसके एनर्जाइज हो जाते हैं, जिसके चक्रा मुक्ति केवल उसी को मिलती है। चाहे हम कितना भी चक्रा मेडिटेशन करें, सब कुछ करें, अगर हमारी व्यवस्था दिनचर्या सही नहीं है, हमारे विचार का हमने ध्यान नहीं रखा, हमने हमारी सोच का ध्यान नहीं रखा, तो उससे आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। ठीक है ना? तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो हमारी मेडिटेशन, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। किसी भी धर्म के अंदर आप चले जाइए, सबके अपने अपने तरीके अलग हैं, पर चीज है, ठीक है ना। ये हमने था कि भाई मेडिटेशन क्या है और हमें मेडिटेशन क्यों करना चाहिए। ये हमारी बहुत ही स्टार्टिंग है। जब हम स्टार्टिंग में मेडिटेशन करते हैं तो आप किसी भी समय पे कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बोला। अब जैसे हम गाइडेड मेडिटेशन करते हैं, जैसे मैं भी आप लोगों को गाइडेड मेडिटेशन ही कराऊंगी। गाइडेड मेडिटेशन हमारे जब एक जो हमारी स्टार्टिंग स्टेज होती है तो हमें गाइडेड मेडिटेशन ही करना पड़ता है अपने ध्यान को उधर केंद्रित करने के लिए। लेकिन जब धीरे धीरे हमारा लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है तो हमें जो हमारा जो ध्यान होता है ना वो ऐसा होना चाहिए कि वो सिर्फ हमारे अंदर होना चाहिए, सिर्फ हमारे अंदर, अंदर से आवाज आनी चाहिए। मेन जो ध्यान होता है वो ध्यान होता है। और उस लेवल पे जाने के लिए अभी समय लगेगा। जैसे आपके ईयर प्लग्स आते हैं, मैं आपको ना उस पर भेजूंगी, ग्रुप में डाल दूंगी। ईयर प्लग्स आते हैं, इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं है। आप उसको अपने कानों में डालेंगे, कानों में डालिए, कानों के अंदर बिल्कुल, मतलब आपको कोई भी साउंड जब बिल्कुल नजर नहीं आएगी ना, तब आपको अपने अंदर की साउंड सुनाई देने लगेगी। बेसिकली तो ध्यान वो होता है जब आप अपने मन की आवाजों को सुनते हैं, अपने अंदर की आवाजों को सुनते हैं। यहाँ तो हम आपको बोलते हैं आप विजुलाइज करिए कि एक व्हाइट लाइट आ रही है एक शॉवर की तरह। यहाँ आप अपनी एनर्जी को क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ आप अपनी एनर्जी को अच्छा बना रहे हैं। यहां हम हमारी एनर्जीज को क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि हम पास्ट लाइफ में भी करते हैं। हम लोग पास्ट लाइफ देखते हैं, भविष्य किसी को नहीं पता होता, किसी को भी नहीं पता होता। लेकिन जब हम अपनी पास्ट लाइफ करते हैं तो हम अपने एक्स्ट्रा ट्रेवल भी उसमें कराते हैं। जब हम एस्ट्रो ट्रेवल में जाते हैं तो लोग बहुत अच्छा अच्छा अपना, ज्यादातर लोगों को 90% लोग हमेशा अच्छा ही देखते हैं। 10% लोग होते हैं जिनको अच्छा नहीं दिखता, और 10% में भी मैं कहती हूँ दो चार ही लोग होते होंगे जिनको अच्छा नहीं दिखता, बाकी सबको अच्छा अच्छा दिखता। भविष्य किसी ने नहीं बनाया, लेकिन हमने उस भविष्य को देख कर एस्ट्रो ट्रेवल करके अपने जो एनर्जी है उसको पॉजिटिव सेंड करा, उस एनर्जी को बनाया। और जब हम उस एनर्जी को क्रिएट करते हैं, जब हम उसके ऊपर विचार करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो चीजें हमारे जीवन में होनी शुरू हो जाती है। तो कहते हैं ना कि इंसान अपना भाग्य खुद ही बनाता है। और जब हम स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ जाते हैं, जब हम एक अच्छे लेवल पे आ जाते हैं, हमारा जब स्तर ऊंचा उठ जाता है स्पिरिचुअलिटी के अंदर, जहां पर हम कहते हैं ना कि पाप और पुण्य से ऊपर आ जाते हैं, जब हम पाप और पुण्य से ऊपर आ जाते हैं तब कोई भी ग्रह, कोई भी नक्षत्र, कोई भी कुछ हमारे को नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन ये हमें तब तक नुकसान पहुंचाता है जब तक हम उसके अंदर फंसे हुए होते हैं, उस मोह माया के उस जाल के अंदर फंसे हुए होते हैं। ठीक है? तो मेन मेडिटेशन वो होता है जो आपको उस परमात्मा से मिलाता है। और जब भी आप उस मुकाम पे पहुंचेंगे, जो आपके अंदर की जो आवाज होगी वो सिर्फ एक ही शब्द होगा, और वो शब्द है ओम, बिकॉज ओम इज अ यूनिवर्सल साउंड। अगर आप अभी भी इस वक्त मेरे कहने से अपने अपने कानों को बहुत टाइटली बंद कर लें और आंखें बंद करें और अपने अंदर विचार करें, तो देखिए, एक्सपीरियंस करके देखिए कि आपको क्या महसूस होता है। स्टार्ट करते हैं, आंखें बंद करें और अपने कानों में, सबसे पहले जब भी हमने मेडिटेशन करना है अपनी सांसों पे ध्यान देना है, ऐसे
वन, बोलना नहीं है, अपने मन में, जैसे मैंने सांस लिया, टेन नाइन ठीक है, अब मैं जैसे सेवन पर आ गई थी, मन में बोलना है, ऊपर से नहीं बोलना, टेन से चाहे तो आप टेन से जीरो तक करो या जीरो से टेन तक करो, या आपके ऊपर, जब तक आप, हम लोग टेन से हमेशा जीरो पे करते हैं, जब तक आप जीरो पे आओगे आपका माइंड जो है वो शून्य हो जाएगा। मेडिटेशन का मतलब है कि दिमाग शून्य हो जाए और दिल खुल जाए, जब आपका दिल बड़ा हो जाएगा, दिल खुल जाएगा, आपको अपने आप से प्रेम होने लग जाएगा, जब आपको अपने आप से प्रेम होने लगेगा तो आपको लोगों से प्रेम होने, ब्रह्मांड से प्रेम हो जाएगा, इस संसार से प्रेम, मोह नहीं होगा, प्रेम होगा, मोह अलग चीज है और प्रेम अलग चीज है, एक निस्वार्थ प्रेम की जो भावना आती है वो आपको यहाँ आपके हार्ट चक्र से आएगी, ठीक है। तो अभी आप प्रैक्टिस करके देखिए, मेरी बात समझ आई सबको, अगर नहीं आई तो मैं फिर आपको बताती हूँ, समझ आई सबको? यस मैम, यस यस मैम। हाँ, तो आपने पहले अपनी अपने दोनों हाथों को, अभी हमारे पास ईयर प्लग नहीं है, मैं आपको उसमें डाल दूंगी ग्रुप के अंदर, अभी अपने दोनों हाथों को कस के बंद करना और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, अगर आप रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं बैठ नहीं पा रहे तो आप लेट जाइए, ऐसा कुछ नहीं होता है, बस रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी होनी चाहिए, ठीक है, किसी भी तरीके से रीढ़ की हड्डी सीधी, और ऐसे नहीं, ऐसे बंद करेंगे तो नहीं, फिंगर से बंद करें, फिंगर से बंद करिए, बिल्कुल कोई साउंड ना आए बाहर की, एक मिनट हटा दीजिए। हाँ अभी हटा दीजिए, जब आप फिंगर से अपने कानों को ऐसे बंद करेंगे उसके बाद आप अपनी सांसों पे ध्यान देंगे, आपको अपनी सांसों की आवाजें सुनाई देंगी, वन वो आप भी टेन नाइन एट सेवन जीरो तक आपने अपनी आंखें बंद करेंगे, सांसों की आवाजें सुनाई देंगी, गहरी लंबी सांसों सांसें आप लेंगे और उसके बाद अपने अंदर झांकी, अपने अंदर देखिए आपको क्या सुनाई देता है, हो सकता है आपको किसी पक्षी की आवाज सुनाई दे जाए, हो सकता है आपको कुछ भी आवाज सुनाई दे, आपको बस उन आवाजों पर ध्यान देना है, अपनी सेंसेस पर पूरा ध्यान देना है और ये देखना है कि कौन सी सेंस आपकी एक्टिव है उस टाइम पर, सूंघने की सेंस एक्टिव है, आपको दिख रहा है कोई चीज उस चीज पर आपका एक्टिव है, या आप उसको मतलब सूंघ रहे हैं, सूंघना, स्मेल की सेंस एक्टिव है, फील हो रहा है कोई चीज वो वाली आपकी सेंसेस एक्टिव, जो हमारी पांच सेंसेस है उन पांच सेंसेस में आपकी कौन सी सेंस एक्टिव है उसकी तरफ अपना ध्यान दीजिए, ठीक है।